नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास कार्यक्रम है ऊंची उड़ान, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक वकील आप कैसे बन सकते हैं। सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा सिर्फ गिने चुने प्रोफेशन में ही होता है, इन्हीं में से एक है लॉ भी। लॉ का महत्व वैसे तो हमेशा से ही रहा है, परंतु जिस हिसाब से लोगों में अपने अधिकारों और जागरूकता बढ़ चुकी है, वकील के पेशे ने भी एक नई उड़ान भरी है। भारत में सस्ती लॉ सुविधा के चलते विदेशी संस्थाएं भी भारतीय वकीलों को ही और देख रही हैं। यही वजह है कि आज वकालत का प्रोफेशन काफ़ी बड़ा बन गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि वकील कौन होते हैं। लॉयर या वकील एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा इज्जतदार और अच्छी आमदनी वाला प्रोफेशन माना जाता है। अगर आप भी कभी कोई कानूनी दिक्कत झेल रहे हैं, जैसे डिवोर्स की समस्या, कोई भी चार्जेस या बिजनेस में कोई कानूनी समस्या आए, तो आप एक लॉयर के पास ही जाते हैं, वही इस समस्या का निदान करता है। तो ऐसे में एक वकील का काम है कानूनी पचड़ों से आपको बाहर निकालना और कानूनी पचड़ों से आपको सुरक्षित बाहर निकाल के एक अच्छा भविष्य देना। अगर आप भारत में वकील बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से LLB करना होगा। LLB यानी कि बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। इसे करने के बाद ही आप किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। आपको अपने कोर्स में किताबी नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल अनुभव भी चाहिए होता है, और इसी के लिए इंटर्नशिप करना आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। स्टेट बार काउंसलिंग के साथ नामांकन। एक बार अगर आप अपना कोर्स ख़त्म कर लेते हैं, तब आपको अपने आप को किसी भी राज्य बार काउंसलिंग में रजिस्टर्ड करना होगा। उसके बाद ऑल इंडिया एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके बाद ही आप लॉ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बता दें कि वकील जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी वकील और एक होता है प्राइवेट अधिवक्ता यानी कि प्राइवेट वकील। सरकारी वकील एक गवर्नमेंट कर्मचारी होता है और इसके लिए वो गवर्नमेंट के पैरोल पर होता है। इस जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपके पास एक जॉब सिक्योरिटी होती है और आपको वो सारे फायदे मिलते हैं जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं। प्राइवेट अधिवक्ता में प्राइवेट अधिवक्ता वो होता है जो सरकार के लिए नहीं काम करता है, लेकिन या तो वह खुद प्रैक्टिस करता है या फिर किसी कंपनी में शामिल होकर काम करता है। इस जॉब की सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी अच्छी इनकम होती है, क्योंकि आप कंपनियों के लिए बड़े बड़े केस लड़ेंगे तो आप बहुत बड़ी फीस की कमाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाएगी।